हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत ठीक होंगे। और आज नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ मैं हूं। और आज मैं कहीं और जा रहा हूं, है हम बैग कुछ बना रहे हैं, बैग हमारे फट चुके हैं तो वहां पे हम जा रहे हैं। सो आज मेरा जो व्लॉग है सिक्स व्लॉग है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर बाहर मिलते हैं, ठीक है? अभी रूम से मैं रेडी हो गया हूँ। रेडी होने के बाद वैसे आप सब इस वक्त हम निकले हैं, कुछ सामान वगैरह लेना था दोस्तों को, उन्होंने तो ले लिया अपना, कुछ ख़रीदारी कर ली खाने के लिए। और अभी जा रहे हैं भाई दूसरे को लॉगेज वगैरह बैग्स लेने, कितने के दे रहे हैं, अभी चलते हैं वहाँ पर। इस वक्त मैं जा रहा हूँ, सब्जी मंडी है यहाँ पर, कोई कहते हैं कि एक्सपेंसिव चीज़ें जो आपको दूसरी जगहों से कम मिलती हैं ना, ज़्यादा मिलती हैं सॉरी, तो वहाँ पे कम मिलेगी। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में होती है होलसेल मार्केट होती है, तो यहाँ पे भी वैसी चीज़ है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ, रास्ता बहुत बड़ा है, पता है पूरी मार्केट में यहाँ पे साफ सुथरा लगा पड़ा है माहौल, ऐसे नहीं देख सकते हैं आप नीचे। ये जो आपने देखी ये सारी मुफ्त में चलती हैं, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ये यहाँ से हरम तक मार्केट तक जो बंदे नहीं चल सकते उनके लिए होती है ये सारी चीज़ें। ये बना रहे हैं हमारे जो है ना, ये मेरा 10,000 में बन रहा है पाकिस्तान। गरीब हो गए, सबके बैग टूट गए, आज हम बैग बनवाने हैं, बैग बना रहे हैं, पैसे जो है ना बहुत ले रहे हैं, 20,000 देखिए, 20,000 पाकिस्तानी 20,000। और मेरा भी टूट गया, मेरे 10,000 ले रहे हैं। अब देखिए सबके कपड़े फट गए, बहुत ज्यादा सुराख हो गए, बेचारों ने बड़ी मेहनत करी है, काम करते हैं सारा दिन, मजदूरी करते हैं हम, तो हमारे बैग टूट चुके हैं इस वक्त। अब ये भाई बना रहे हैं, मेरे हम यहाँ पे आए हैं अपनी बैग्स वगैरह बनाने, तो जा रहे हैं देखते हैं। ये सामने वाला है, ये चीज़ें इधर मिलती हैं ऐसे, वो तो यार बहुत एक्सपेंसिव था, तो इस वजह से हम किसी और के पास जा रहे हैं। अब देखा हूँ वहाँ पे कितने पैसे ले रहा है, 10,000 कौन दे, 10,000 मेरे ख्याल से 150 रुपये हुए, वो भी सही नहीं लगा रहा था, कह रहा था कि अंदर के जो है ना वो निकल के आ जाएंगे जिससे धागे होते हैं, तो मैंने कहा कि किसी और के पास लेके चले। ये भाई जो था जो आपको दिखाए वो यहीं का है, मतलब है पाकिस्तान का, रहता है यहाँ पे, काम पढ़ते वगैरह हैं यहाँ पे। आए आज भी यही शॉप बंद है, जो हमने कहा था कि बैग्स वगैरह हम बनवाएंगे मोची के पास, तो मोची का तो शॉप बंद है, दूसरा जो मोची है वो सही नहीं बना रहा, तो इसी वजह से फिर हम वापसी जा रहे हैं। अब यही हमारा दिन गुजरता है यार, क्या कर सकते हैं इस वक्त, फिर सब जा रहे हैं रोते हुए वापसी जा रहे हैं। इस वक्त यार वो जो जिसके पास हम गए वो तो बंद था, तो अभी शाम का प्रोग्राम रखा है, इस वक्त हम कहीं और जा रहे हैं, देखते हैं अब और कहाँ जा रहे हैं हम। बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, लेडीज़ बैग भी हैं, और इस वक्त आप ये बैग्स पे रहे हैं, इनके रिव्यूज भी हैं, ये लेडीज़ हैं खासकर। तेरी मेरी मेरी तेरी, क्या आवाज है भाई, क्या आवाज है, मुश्किल कैसे हो भाईजान, क्या करने हो, ये घूमते फिरते हैं रोते हैं, क्या करते हो भाई, कैसे हो भाईजान, क्या करते हो भाई, गजब बेइज्जत हो। ये देखें पागल हो चुका है भाई, शादी करा रहे हो, शादी करने हो, शादी करवा रहे हो, शादी करने हो, सब ये करो भाई भाई जान, भाई लोगों के साथ अब थोड़ी बहुत जूस वगैरह पिए, कि यहाँ पे भाई पढ़ते हैं और बहुत अच्छे भाई हैं, जिसको आना हो यहाँ पे इनके साथ मुलाकात करें, मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा और ये आपको पूरा टूर वगैरह करवाएंगे। एक हमारी ये गाजर का जूस, गाजर नहीं है, अनार है, अनार है, गाजर नहीं, इनको लगता है गाजर का बहुत जूस पसंद है भाई को, गाजर लगती है इस वजह से कह रहे हैं। जबरदस्ती तो मजा होता है जबरदस्ती में, हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ये एक्चुअली गाजर नहीं है, ये मेरे ख्याल से अनार, नहीं अनार नहीं, गाजर भी नहीं, अनार भी नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये इसका जूस है, ये हम क्या कहते हैं उसको, चुकंदर, टेस्टी बॉय, टेस्टी बॉय चुकंदर, ना ना चुकियों ने हमें जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाई है यहाँ पे,
जबरदस्ती करी है, जबरदस्ती जैसे होती है ना वैसे ही हुई है। तो हम टेस्ट पे एक्चुअली फ्राइडे है, वीकेंड है, ठीक है ना, यहाँ पे छुट्टी होती है तो इस वजह से लोगों की रश वगैरह है यहाँ पे। और ये देखें मार्केट में गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार सामने आ रही है। और अभी आइसक्रीम भी खाई, मज़ा भी लिया, भाइयों ने लेके दी, ज़बरदस्ती हमारे साथ किया, बहुत गलत किया इन्होंने यहाँ। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है यहाँ पे, पूरी मार्केट में यहीं पे हम घूम रहे हैं, ये शहर से दूर है थोड़ी बहुत। बस आ चुकी है, हम जा रहे हैं टूर पे, हमें कुछ चीज़ें देखनी है, नई नई चीज़ें हम देखेंगे। फारसी फारसी में बात की, फारसी तो पूरी फारसी आती है पाकिस्तानी। अब हम अंदर बस में बैठेंगे क्योंकि हमारा जो है ना टूर है, अब बाहर जाने का कहीं कहीं मीन्स टूर है, कोई चीज़ें देखनी है यहाँ पे क्या क्या। सलाम ये यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, छोटा बन गया इनसे ईरानियों से। आप ये है पूरा शहर की गलियां हैं, रोड है, हम चलते हैं, चलते ही चलते जा रहे हैं। इसको कौन को देख लियो, ये कौन की गलियां हैं, देखो कितनी साफ साफ सुहाग सब सुखी गलियां हैं। हां कौन की गलियां हैं ये, आप आवाज तो पीछे से आती होगी, ये हमारे साथ कोई बच्चा भी बैठा हुआ है साथ में। सो ये रोड है और ये गाड़ियां के पास एक्चुअली मिक्स में है, यहाँ पे सिलाई मशीन वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे सारी। उनका अपना जो है तरीका है हर चीज़ का, तो मैं बता सकता हूँ ये कोई मार्केट है नहीं अपनी, और अच्छी मार्केट है अपने हिसाब से देते हैं। और कहीं तो ये सारी सिलाई मशीन की मार्केट है, सिलाई मशीन स्ट्रीट वगैरह सारी चीज़ वो बस थी। अभी ये बस है यहाँ पे इबादत का है बी मौसमों की, और हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे अंदर। अभी की इबादत का है, यहाँ पे इबादत करती थी, और अभी उतर रहे हैं अपनी रवान का, जहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें टूर है ना, हाँ यहाँ पे ज्यारत आते हैं कुछ, तो वो हम आपको दिखाएंगे अभी कि कौन सी ज्यारत है और क्या फजीलत है इनकी। तो हम जा रहे हैं अभी उस तरफ, कि हम और प्लेस पे आए हैं, कोई और जगह है जहाँ वहाँ पे जाएंगे, फिर वहीं से आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या क्या है। अलग अलग जगह हैं, बहुत प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के, बहुत से मुकद्दस जगहें हैं जिसमें लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी उस तरफ जा रहे हैं। ये भाई आपको बताएंगे कि इसका क्या रवायत नाम से मशहूर है और कौन है इस जगह पे। भाई ये जो ज्यारत है ये हजरत मूसा मुबर्रक के नाम से, जो कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला फैसला थे, और उसके अलावा चेल अख्तरान और जनाब जैद अलैहिस्सलाम जो कि इमाम अलैहिस्सलाम के नवाबान में से उनकी यहाँ पे ये ज्यारत है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ज्यारत है। हाँ यहाँ पे ठीक है, आपने जैसे कि सुना कि अब हम अंदर जाके देखेंगे, इजारत करेंगे कि कौन कौन सी प्लेसेस और भी ज़्यादा प्लेसेस हैं। और जो आपको बताए इजारत है श्राइन में, thank you.
करी लिए, आपको अंदाजा है कितने के लिए? 150 रुपए के 1 किलो। और हमारे पास कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं? यहाँ पे जो बस वगैरह का सिस्टम है वो इतना महंगा नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है बहुत। और यहाँ पे लोग जो घूमते हैं जाते हैं उनको कोई इतना खतरा नहीं। एसी वाली बस है, एसी बस हो गंदी हो कुछ भी हो पर एसी वाली। हम जैसे नहीं, पाकिस्तान में जैसे गंदी बसें होती हैं, चलती हैं, फिर किराया भी इतना लेते हैं। फिर बस यार किस्मत की बात है, जहाँ पे हर चीज़ है वहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हर चीज़। ये यहाँ के लोग समझते नहीं, हमारे मुल्क के सिर्फ आपस में ही लगे हुए हैं। नई कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, बाड़ियाँ हैं सामने। और यहाँ पे हज़रत हज़र अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे, इसलिए यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सैर पे जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, विजिट करने घूमने की जगह भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ये ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ऊपर है। और हाइकिंग करने में बहुत मज़ा आएगा, मुझे वैसे भी बहुत शौक़ था चलने का, बस अल्लाह ने सुन ली मेरी बात। अब मैं हाइकिंग करते हुए ऊपर जा रहा हूँ, बस ये है कि आगे से कोई गाड़ी ना आ जाए, बाकी खैर है। सो ऐसा हम रवा दवा है अपनी जगह पे। देख यहाँ पे जगह बनाए, इनका पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ऊपर जाके, कितना शहर नज़र आ रहा है। अभी मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हुई हुई है। ऊपर ही ऊपर चलते हैं, ऊपर ही। और ऊपर जाना है लोग अभी तो यहाँ पे रुक गए। ये हालत जो है ना इतनी बुरी हो चुकी है हमारी, ये पूरा शहर है, पूरा शहर नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखें पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। और आगे जाना है, बहुत थक चुके हैं। ये इधर जाना है हमें, मैंने आपको बताया हालत जो है ना अब बुरी होती जा रही है हमारी। फाइनली पहुंचने वाले, बाकी जो है ना थोड़ा थोड़ा सा है। हम देख कितना ऊपर खड़े हुए, कितना ऊपर हूँ मैं, हालत जो है ना ऐसी हो गई है, ये आँखें भी बंद हो रही हैं, बहुत ऊपर है। ये देखें फाइनली मंजिल पे पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं मंजिल पे। बस अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बाकी कौन है भाई? मालिकियां दुकान में सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सौदत हस्सम यूपी एस सारू गुरु है। ये बच्चों ही صالحین و دختران فوتی از حلاهای صالحین در پایگاه خواهران. بله حضرت آمین سلام الله علیه. خب خانم غلامی پایگاه چه کار میکنه برای بانوان؟ چه برنامه‌هایی؟ हेलो राली जी, ये यहाँ पे पहुँचे हैं ऊपर। हज़रत खिजर की जगह जहाँ इबादत की थी, कितना ऊपर है, पहाड़ी पे है ये सारा, आप देख सकते हैं।
पे उतर चुके हैं। अब ये दूसरा आखिरी प्लेस है हमारा। ये कहते हैं कि मस्जिद झमकान है, यहाँ पे बहुत सी रवायतें हैं और लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी है। कहते हैं कि अंदर मार्केट बनी हुई है, बहुत देख रहे हैं लोगों की रश क्या है और लोग कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं। दिन लगा पड़ा हुआ है बहुत सा। यहाँ पे इमाम ज़माना की रवायत के हिसाब से है कि यहाँ पे यहाँ से वो गैब में गए थे और यहाँ से उनकी जो है ना इस जगह पे यहाँ। और ये भी है रवायत है कि यहाँ पे वो आते रहते हैं जुमेरात को, जुमे वाले दिन। अंदर का नज़ारा है और ये यहाँ पे मस्जिद है और रश है क्योंकि आज इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जुमेरात है। आज जुमेरात के दिन ज़्यादा ही लोग होते हैं, पता है आपको। यहाँ पे जो मौला इमाम ज़माना क्या ज़हूर भी होता है, कहते हैं कि आते रहते हैं तो उस हिसाब से वो बताते हैं ये सारी वाशरूम है। ये अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये लिफ्ट भी जाती है यहाँ पे। यहाँ पे हम अब जा रहे हैं अंदर, वाशरूम की तरफ जा रहे हैं। और हमारे पास भी काश ऐसे लिफ्टें लगी होती वाशरूम में तो कितना मज़ा आता। ये देखें, ये है लिफ्टें अंदर वाशरूम जाने के लिए। यही जदीद मुल्क का यही मज़ा होता है। और हम यहाँ पे हम पाकिस्तान में ऐसी लिफ्टें मॉल से लगाते हैं। यहाँ पे वाशरूम ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं रौनक कितनी है यहाँ पे, क्या मज़ा है, खुदा की कुदरत है। और यहाँ पे ये इशू ये देखें मस्जिद झमकड़ा, यहाँ से कहते हैं रवायतें हैं कि हम मेहदी गए थे यहाँ, यहाँ पे ये चीज़ ली थी। ये माहौल बना हुआ है यहाँ पे बहुत, जैसे दिल लगा पड़ा हुआ है। इस वक्त रात के हो रहे हैं 8:30-9 और मस्जिद झमकड़ा अंदर से आप देख सकते हैं। वहाँ से अलग आता है, यहाँ से अलग आता है। ये यहाँ पे सारा है बना हुआ है कि कारीगरी आप देख सकते हैं। जो है ना ये जो है ना इसका अपना दूसरा सैन है, वो जिसमें नया था ये बड़ा था और ये वाला छोटा है। ऐसे ऐसे ये भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मशहूर रवायत भी ये भी है कि एक कुआ है जिसमें आप अंदर जाके इसमें कोई भी अपना खत हो, कोई भी चीज़ हो, मन्नत हो, वो इसमें डालेंगे तो ज़रूर पूरी होगी।
ये मैंने सुना हुआ है, हमें टाइम नहीं था इसी वजह से मैंने वो नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर गए तो फिर ये हम करें। ये हमें यहाँ पे तबरक मिला है यहाँ से, ये देख सकते हैं एक नूडल्स जैसे लोबिया होती है ना, किडनी बीन्स और रोटी मिली है, देख सकते हैं आप। गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो खादम है, जो यहाँ पे ये एक्चुअली इनका ताल्लुक क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है। सो ये यहाँ पे आए थे बीवी कुम के पास दुआ मांगने कि हमें बच्चा दो, तो हम फिर आपके पास आएंगे, न्याज वगैरह देंगे। फिर इनको बच्चा वगैरह हुआ तो इन्होंने यहाँ पे आए और खादम के हाथ वगैरह दिया और हदिया वगैरह किया और ये मुसलमान हो गए। तो ये इनकी स्टोरी है, तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे बनाया है। गाइस आपने आज के व्लॉग को ज़रूर एंजॉय किया होगा, मुझे उम्मीद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मुलाकात करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।